छोटे छोटे ब्लॉकेजेस जो बन रहे होते हैं फैट की, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के अंदर, और किसी को भी हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, मिनिमम 8 से 10 साल तो यूजुअली लोगों को लग रहे होते हैं, बन रहा होता है। तो चेक कर सकते हैं कि क्या मतलब मेरे अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है। आजकल आ गई है सीटी कोरोनरी स्कैन, 5 मिनट तो टोटल टाइम लगता है, 5 सेकेंड एक इंजेक्शन दी जाती है और 5 सेकेंड एक्सरे लिया जाता है और आपके अंदर की सारी पिक्चर्स आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर 10 साल से कोई क्लॉट बन रहा है। अभी आपके 10% पहुंचा है या 20 पहुंचा है या 50 पहुंचा है या 80 पहुंचा, और ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं कोई 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार में। तो फिर लोग क्यों नहीं करते हैं? तो कभी मैंने सुना ही नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि ऐसी टेस्ट अवेलेबल है। तो फिर डॉक्टर्स को बताना चाहिए और ज़्यादा। डॉक्टर्स लोग का एक प्रॉब्लम है कि वो लोग करना चाहते हैं तार घुसा के एंजियोग्राफी। वो जो हमारी ब्लॉकेज चेक करने के दो तरह की एंजियोग्राफी होती है, एक तो सीटी एंजियोग्राफी जो मैंने बोला 1 मिनट में काम खत्म, जो डॉक्टर्स लोग पुराना मेथड करते थे वो क्रूड मेथड था कि आपके अंदर एक तार घुसाई जाएगी, इसको कैथेटर बोलते हैं, और तार को 1 मीटर अंदर तक ले जाएंगे, उसमें रिस्क होता है इसलिए हॉस्पिटलाइज भी होना जरूरी है, और फिर वो ब्लॉकेज बताते हैं इतनी इतनी ब्लॉकेज है। बस इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है कि वो फिर वहाँ पे वो बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है, और मतलब टेस्ट तो लोग कराने जाते हैं, रिपोर्ट पता चल जाए, डॉक्टर रिपोर्ट देने के साथ साथ इतनी डर पैदा कर देते हैं कि कल तक मरने वाले हो आप, तो फिर क्या होता है वो ऑपरेशन में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल को मालूम है कि अगर एडमिटेड रहेगा आदमी तो मैं उसको ऑपरेशन के लिए 1 मिनट में राजी कर लूँगा।